So, you guys, welcome to the Life of Mine podcast. सबसे पहले तो आई एम रियली रियली सॉरी फॉर बींग सो इनकन्सिस्टेंट, बट आई गेस अगर मैं इनकन्सिस्टेंट हूँ तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा दैट समथिंग टेरिबल इज हैपनिंग. बट एक्चुअली कुछ भी टेरिबल नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन एंड आई एम डूइंग वेल. आई होप यू ऑल आर डूइंग सो. सो ऐसे ही आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग एंड चेंजिंग माई कवर आर्ट्स ऑफ माई पॉडकास्ट, देन आई हैव रियलाइज दैट आई थिंक आई हैव टू रिकॉर्ड समथिंग. सो लेट्स बिगिन. I just sit back and think कितने मुझसे खार खाएंगे. Came from nothing, रब की नेमत बे हिसाब भाई पे. I got everything I need, मुझे क्या चाहिए. दिल की गली में बराए करम ना आइए. So apart from everything, first of all, I have to tell you guys that अब से मैं ही अपने पॉडकास्ट एडिट कर रहा हूँ, बिकॉज माई होमी आरव, उसके साथ क्या हो चुका है दैट वो हॉस्टल चला गया है एंड इट्स काइंड ऑफ टफ फॉर नर्ड लाइक मी कि मैं पॉडकास्ट एडिट करने बैठूँ, बट या आई एम स्टिल डूइंग इट. सो व्हाट वी विल टॉक अबाउट टुडे इज, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रुथ फर्स्ट. व्हाई आई एम सो लेट राइट नाउ दीज डेज, इनकन्सिस्टेंसी एंड ऑल, उन सबको सामने ला के सच्ची बात करते हैं. वाई इज़ दिस ऑल हैपनिंग. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज जस्ट हैपेंड कि हैड हैपेंड वॉट एवर. आई एम जस्ट सो स्टक इन दीज थिंग्स, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी है. लाइक आफ्टर द स्कूल लास्ट पॉडकास्ट वॉज फॉल्स इमेज एंड दैट इज़ इट. And that was in mid time of school. उसके बाद एक मतलब बेहद गदर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी इन माई सोशल मीडिया हैंडल्स. इफ़ यू गाइज जस्ट यूज टू फॉलो मी ओवर देयर यू नो वट हैपेंड, सो आई डोंट हैव टू टेल यू दैट. बट या वाई आई एम सो लेट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पॉडकास्ट लिखा था, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, लिखा था लास्ट टाइम एंड वट हैपेंड एट दैट पॉडकास्ट I've discussed it because मैं यहाँ के डायरेक्ट ही नहीं बोल सकता तो कुछ भी ऑफेंसिव हो सकता है. देर आर सम काइंड ऑफ थिंग्स जो ऑफेंसिव रही है, बट आगे के लिए आई हैव टू जस्ट प्रिपेयर माई सेल्फ एंड आई हैव टू मोटिवेट माई सेल्फ, सो दैट्स द पॉइंट. यही मैं कर रहा था एंड वट हैपेंड, मैंने बहुत सारी मतलब मेरा विजन क्लियर किया. माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स जस्ट हेल्प मी आउट इन दिस, बिकॉज क्या हुआ कि आई वॉज सो स्टक राइट, कि मैं कुछ ऐसी चीज़ लिख चुका था, लिख भी क्या चुका था. आई मीन वी विल टॉक अबाउट एवरी थिंग, बट या कि जो चीज़ मैं बोलने वाला था, जो चीज़ मैंने बोली लास्ट रिकॉर्डिंग में, दैट वॉज लाइक कि वो सब कुछ ये था जो आप सुनते ही हो कहीं ना कहीं कोट्स में, कहीं ना कहीं किसी और के पॉडकास्ट में, थाट्स में, कहीं पर भी सुन सकते हो. सो मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं कुछ अलग अलग करूं तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू आउट बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंसेस. आई थिंक आई विल टीच यू व्हाट इज़ हैप्पीनेस. सो आप लोगों को क्या लगता है, बट आई कैन जस्ट कम्युनिकेट विद यू गाइस राइट नाउ, सो आई कैन ओनली जस्ट आस्क क्वेश्चन. आई कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस, आई कैन जस्ट पुट माय पॉइंट्स. एंड मैं पेन क्लिक कर रहा था, सो आई एम रियली सॉरी. First, yeah, we all know that biggest goal in our life is to stay happy. We all do. कई बार क्या होता है कि अगर तुम खुश हो, if you are happy, you can just, अगर तुम खुश हो और तुम्हारे से सामने वाला नहीं है, he is not, so you can't just force him to do it. वो सबसे बड़ी बात है कि तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते, वो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा. If you are happy and he is not, there are some kind of circumstances, कुछ तो रहा ही होगा. That's the biggest fear of me, कि मैं सामने वाले को खुश ना देखूँ तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बट मेरे बारे में भी कुछ सच्चाइयाँ आप लोगों को पता चलेगी. And that's what I'm trying to say, कि if you are happy, you can just tell others to do so. That's the point. कभी कभार सामने वाला बुरा मानता है हर चीज़ के लिए,
कुछ भी कहो, आई मीन इफ ही इज इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन और वट एवर, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मान लो कि समवन जस्ट पास्ड अवे, डाइड, कुछ भी हो सकता है, यू फील इमोशनल. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट, क्योंकि आप लोगों ने हर जगह सुना होगा एज आई हैव सेड बिफोर कि लड़कों को तो रोना भी मना है. नो, नो वाली जस्ट सेड दैट, किसी ने भी नहीं बोला आज तक. जो बोलते हैं आई डोंट जस्ट गिव अ फक अबाउट देम ऑनेस्टली, बिकॉज मैं जो हूँ, इफ समथिंग जस्ट हैपन्स और हैपन, कभी ना कुछ होना ही है, आई विल डेफिनेटली क्राई, बिकॉज दैट्स द पॉइंट, दैट्स हाउ आई कैन जस्ट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स. दो अगर मैं ये करूँगा तो मुझे जो आई वोंट बी जस्ट रिग्रेटिंग इट, मुझे मतलब इस चीज़ का ज़रूर दुख होगा कि मैं रोया नहीं. एंड ये मतलब नहीं है दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस टू क्राई, बट जस्ट डोंट हाइड योर इमोशंस, नेवर एवर डू दैट. लड़कों की बात नहीं, सबको बोला जाता है रोते नहीं है, बट इफ यू आर फीलिंग द पेन एंड इफ यू आर जस्ट हैविंग दैट काइंड ऑफ इमोशन इनसाइड यू, लिविंग इनसाइड यू, यू विल डेफिनेटली क्राई. दैट्स द पॉइंट, यू विल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट बी अशेम्ड, just accept, because I think there are two factors of happiness. First is carry on and second is acceptance. I know ये दोनों एक ही जगह लाया करते हैं, but फिर भी इन दोनों चीज़ों को अगर combine किया जाए, accept करके carry on करना, बहुत आगे जाती है चीज़ें. हमें अपनी happy sides, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, I used to put fake smiles, मतलब मैं आज भी अगर खुश हूँ कुछ पॉइंट्स पे, आई शो माई सेल्फ हैप्पी इन माई सोशल मीडिया, दैट्स व्हाट आई हैव टॉक्ड अबाउट, फॉल्स इमेज एंड एवरीथिंग एल्स. कि जो फॉल्स इमेज होती है इंसान की, दैट वाज ट्रिगर टू वन, बट आई रियली अपोलोजाइज फॉर एवरीथिंग जो पास्ट में हो रखा है, बट वो जो चीज़ है वो सब गलत दिखाते. फ्यू ऑफ अस आर लाइक कि जो सच दिखाते. मैं हर जगह दिखाऊंगा आई एम लिविंग अ हैप्पी लाइफ, ऑनेस्टली सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती है, एंड आई डू पुट फेक स्माइल समटाइम्स. आई डू नॉट ओपन अप दैट मच इजीली कि मैं सबको अपनी इमोशंस दिखाऊं, अपनी दूसरी साइड दिखाऊं, बट दैट्स द पॉइंट, आई हैव टू डू इट. आई एम ऑल्सो लर्निंग द प्रोसेस एंड इट विल टेक टाइम, क्योंकि सबको लगता है. एंड यही बात है कि अगर आप अपनी इमोशनल साइड सबको दिखाओगे, सबको नहीं, आई मीन ऐसा आई एम नॉट जस्ट एनकरेजिंग एवरीवन कि सबको ही दिखा दो, बट दोज हुम यू ट्रस्ट, सबसे पहली बात ये, नेवर लाई टू योर क्लोज वंस, बिकॉज अगर तुम वो करोगे तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा उस चीज़ को लेके. सेकंड यही है कि इफ़ यू जस्ट ओपन अप टू देम, कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है. कई सारी जगहें होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो गलत रास्ता लेके जाती हैं, बट वो हर चीज़ का हल नहीं होता. इसीलिए यू जस्ट हैव टू ओपन अप, यू हैव टू शो योर इमोशनल साइड सो दैट दे कैन हेल्प यू, बिकॉज दोस्त सबके अच्छे होते हैं, किसी का दोस्त बुरा नहीं होता अनटिल और अनलेस तुम कुछ बुरा ना करो. सो आई थिंक दैट्स द पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, वी हैव टू हील आवरसेल्व्स, और वो हम खुद ही कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता, और वो हमें खुद ही करना पड़ेगा. और दूसरों की मदद करना तो सबसे मेजर इम्पोर्टेंस रही है, बिकॉज ये रियलिटी है, ये हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. हैप्पीनेस जस्ट दैट्स द पॉइंट. मुझे एक बार कहा गया था, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इन माय ओपिनियन. चलो ठीक है, ये पॉइंट, ये फ्रेज सही है, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, बट द पॉइंट इज, स्टेट ऑफ माइंड का क्या, जब तुम खुद से ही खुश नहीं हो. सो यू हैव टू स्टे हैप्पी, लाइक, और तुम हैप्पी कैसे रहोगे, एज व्हाट आई हैव सेड, यू डोंट हैव टू बी अशेम्ड ऑफ योर जस्ट शोइंग ऑफ योर इमोशंस कि तुम किसी चीज़ से दुखी हो. एंड यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड यू हैव टू कैरी ऑन, तो तुम्हारा जो प्रस्पेक्टिव है वो बढ़ जाएगा हर चीज़ को लेके. बिकॉज इन माई पास्ट डेज, इन माई पास्ट मंथ्स, मैं यही बोलूँगा कि मैंने कहानियों के दो पहलू जानना सीखा है, कभी एक जगह का सुन के कॉन्क्लूजन बनाना नहीं सीखा है. सो
सो आई गेस यही बात है कि हैप्पीनेस इज़ नॉट लाइक कि तुम खुश रहो, खुश रहो ऑफकोर्स ही बात है, बट वो जो हैप्पीनेस है ना वो तभी आएगी जब तुम सच में हर चीज़ से आगे बढ़ चुके होगे और तुम्हें एक्सेप्टेंस का पता चल जाएगा। एंड आई गेस मैंने बहुत ज्ञान पेल दिया है, बट दिस इज़ द ट्रूथ, बिकॉज आई ऑल्सो यूज टू वियर फेक स्माइल्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, एंड इट स्टिल हर्ट्स टूडे बिकॉज कईयों के सामने मैं ऐसा कर चुका हूँ, और कई कई लोग ऐसे हैं जो मेरा पॉडकास्ट सुनते हैं, बट नाउ आई थिंक मैनी ऑफ देम आर लाइक कि हमारा टच ख़त्म हो चुका है एकदम। सो इफ यू गाइज आर हियरिंग दिस वन, आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट लाइक बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिकॉज मैंने बहुत कुछ अब मैंने कईयों को हर्ट किया। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड्स, इवन दो माई फैमिली मेम्बर्स टू, बट आई थिंक आई एम नॉट कम्फर्टेबल टू कम अप विद दैट राइट नाउ। आई थिंक आई विल नेवर यूज नेवर आई विल नेवर कम अप विद दैट। मुझे खुद से भी नाराज़गी रहती थी, बट आई थिंक मैंने आज जो कहना था वो मैं कह चुका हूँ। एंड या वी आर फाइनली बैक, सो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए पीस आउट। I just sit back and think कितने मुझसे खार खाएंगे, came from nothing रब की नेमत बे हिसाब भाई पे, I got everything I need मुझे क्या चाहिए, दिल की गली में बराए करम ना आइए।